नमस्कार दोस्तों, मैं सभ्यसाची बैनर्जी फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरा चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर में। आज हम लोग बात करेंगे फिश फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। ये जो डिसीज़ है इसको कॉटन वुल डिसीज़ भी कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन है एक्वेरियम के हॉबिस्ट के ज़िंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर तो जैसा कि मैं बोल रहा था, ये सीरीज़ में ये आज तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे फिश फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। फंगल इन्फेक्शंस जो ट्रॉपिकल फिश का या फिर फ्रेश वाटर ट्रॉपिकल फिश का लाइफ है उसमें सबसे ज़्यादा दिखा जाता है। ये देखने का मेन वजह जो है वो आपका एक्वेरियम का वाटर क्वालिटी के वजह से होते हैं। अब हर एक्वेरियम में किसी ना किसी तरह से फंगल का जो बीज है ये बीज रहता ही है, चाहे वो सबस्ट्रेट में हो चाहे वो प्लांट्स में हो, किसी ना किसी तरह से वो रहता ही है। और जैसे ही उनको सूटेबल कंडीशन मिलते हैं, वाटर क्वालिटी आपका ख़राब होता है या फिर हाइजीन ठीक तरह से नहीं रखते आप आपका एक्वेरियम का, या फिर कोई भी फिश ऐसा है जिसको मतलब थोड़ा बहुत वुंड आ गया है, कट हो गया है बॉडी में या फिर डैमेज हो गया है, तो ये सब फिशेस में ये जो फंगल का बीज है इसको बहुत अच्छी तरह का एनवायरनमेंट मिलता है बढ़ने के लिए, और कुछ ही दिनों में ये धीरे धीरे करके पूरा एक्वेरियम का टेक ओवर कर लेते हैं। और फिर जो भी आपका फिशेस रहते हैं हेल्दी फिशेस, उसमें भी ये संक्रामक तरह से फैल जाती है, तो जिसके वजह से ये डिसीज़ दिखा जाता है। हालांकि अगर आप फ्रेश वाटर एक्वेरियम रख रहे हैं तो इसमें जो एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादातर मिलता है, बाकी जो है उसके बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में, वो उतना ज़्यादातर यहाँ पे नहीं देखा जा सकता है। ये ज़्यादातर तो होते हैं जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि अगर आपका कोई भी फिश मतलब बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है या फिर दूसरा कोई डिसीज़ उसको हो चुका है, तो वैसा फिश अगर कुछ है तो उसमें ये पहले होता है और उसके बाद वहाँ से संक्रामक बन के दूसरा जो फिशेस आपके एक्वेरियम में है उसमें भी फैल जाते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कहा आप लोगों को कि आपका एक्वेरियम का अगर आप वाटर क्वालिटी सही रखेंगे दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है जो आपके एक्वेरियम के हॉबी के लाइफ में आप कभी भी नहीं देखेंगे। आपका वाटर क्वालिटी एकदम हमेशा सही रखिए। कोई भी अगर वुंड फिश है उसको सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करके उसको हॉस्पिटल टैंक में रख के उसको ट्रीट कीजिए, उसको मेन टैंक में कभी भी मत रखिए। या फिर कोई भी दूसरा टाइप का डिसीज़ अगर कोई भी फिश है तो उस फिश को आप हमेशा निकाल के दूसरे टैंक में रखिए और उसको वहीं पे ट्रीट कीजिए। इसके अलावा जो होता है मेन वजह दूसरा ये है कि अगर आपका एक्वेरियम में अमोनिया लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप आपका रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं ठीक तरह से, तो उसके वजह से भी ये हो सकता है। तो ये मेन रीजंस जो है, अगर आप इसको कैटेगराइज करेंगे तो इसको हम लोग चार कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक तो हो गया आपका वाटर क्वालिटी सही नहीं है, दूसरा हाइजीन आपका एक्वेरियम का आप ठीक तरह से ख्याल नहीं रख रहे हैं, तीसरा आपका घायल कोई फिश आपका एक्वेरियम में है जिसको फंगल इन्फेक्शन एक बार हो जाता है और उसके बाद उससे दूसरे फिशेस को होना चालू होता है, और चौथा लास्ट रीज़न ये है कि आपका एक्वेरियम से जो डेड फिश है डेड फिश को इमीडिएटली हटा लीजिए, क्योंकि डेड फिश अगर आपका एक्वेरियम में रहेगा तो अमोनिया लेवल का स्पाइक आएगा, और स्पाइक आने से सिर्फ ये फंगल इन्फेक्शन नहीं बहुत दूसरे तरह का आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है। यूजुअली इसको कॉटन वुल डिसीज़ भी कहा जाता है। इसको कॉटन वुल डिसीज़ कहने का मेन रीज़न ये है कि आपके जो फिशेस है फिशेस के शरीर में जब ये पहले पहले होगा तो आपको फ्लफ़ी एक वाइट कलर का यू नो कॉटन वुल जैसा दिखेगा। डिफरेंट एरियाज़ में फिशेस के बॉडी में इस तरह का कॉटन वूल आपको दिखेगा। ये अगर प्राइमरी स्टेज पे है तो वाइट रहेगा, जैसे जैसे इसका इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा वैसे इसका कलर चेंज होता रहेगा, सो फ्रेश उसके बाद फ्रेश थोड़ा ग्रे हो जाएगा और एकदम लास्ट स्टेज पे चला जाएगा तो ये रेड हो जाएगा। तो इस तरह का आप सिम्टम्स देख के पता चल सकता है आप लोगों को कि आपके फिशेस को फंगल इन्फेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि माउथ फंगस जो होता है, माउथ फंगस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और आज जो हम लोग फिश फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो दूसरा है, ठीक है। कॉटन वुल डिसीज़ अगर आप देखेंगे, कॉटन वुल डिसीज़ जिसके वजह से होता है उसको कहा जाता है स्पैरोलेग्निया या फिर एचीला कहा जाता है, इसके वजह से ये होते हैं फ्रेश वाटर एक्वेरियम में। तो इसका मेन ट्रीटमेंट ये है कि आप सॉल्ट बात कर सकते हैं आपका फिशेस को, लेकिन ध्यान में रखिए अगर आपका एक्वेरियम में कोई भी कैटफिश वगैरह है जो कि जिसमें यूजुअली स्केल्स नहीं रहते हैं, उस तरह का फिशेस अगर आपका एक्वेरियम में है तो उसको सॉल्ट बाथ कभी भी मत दीजिए। जिस फिशेस में स्केल्स है, जैसे कि मान लीजिए टेट्रा हो गया, सिक्लीड्स हो गए, डिस्कस हो गए, इस जैसे फिशेस को आप सॉल्ट बाथ दे सकते हैं, लेकिन कैटफिश या फिर यू नो
सार्क जो होते हैं, ये सारे फिशेस को अगर आप सॉल्ट बाथ देंगे तो इसका स्किन इमीडिएटली डैमेज्ड हो जाएगा और फिर उसके वजह से एक घंटे से डेढ़ घंटे के अंदर आप देखेंगे आपका फिश मर भी सकता है। तो थोड़ा ये बात ध्यान में रख के सॉल्ट बाथ दीजिएगा। सॉल्ट बाथ देने का तरीका और कुछ नहीं, आप एक गैलन वाटर पे आप 4 टीस्पून सॉल्ट डाल सकते हैं। बिना आयोडीन का सॉल्ट लीजिएगा या फिर एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं आप। उसको डाल के अच्छी तरह से घोलिए। घोलने के बाद जब पूरी तरह से सॉल्ट आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद ही आप उसको थोड़ा देर के लिए स्टेबल होने दीजिए और उसके बाद फिश को उसमें 10 से 15 मिनट या फिर मैक्सिमम आधा घंटा तक आप रख सकते हैं और उसके बाद निकाल के उसको दोबारा जो हॉस्पिटल टैंक है या फिर क्वारंटाइन टैंक है उसके फ्रेश वाटर में डाल दीजिए। तो इस तरह से आप अपना फिशेस को सॉल्ट बाथ दे के कोई भी फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि एक फंगस या फिर अगर अंडे में फंगस हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मछलियाँ जब अंडे छोड़ती हैं तो बहुत सारा अंडे जो है ये इनफर्टाइल रह जाते हैं, तो जिसके वजह से ये जो अंडे हैं अंडे में भी फंगस आ सकते हैं। तो कोई भी अंडा अगर आपको दिख रहा है कि थोड़ा वाइट टाइप का है तो उसको हटा देना ही बेहतर है। यूजुअली पेरेंट फिशेस जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन किसी मामले में क्या होता है कि पेरेंट फिशेस का डेथ हो जाता है या फिर वो नेस्ट को अबैंडन कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर ऐसे हालत में ये फिशेस के अंडे में फंगस आना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपका एक्वेरियम में पेरेंट फिशेस है तो चांसेस है कि आपका पेरेंट फिश जो है वो खुद ही जो डैमेज्ड अंडे हैं उसको निकाल के फेंक देंगे या फिर खा जाएंगे या जो भी मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अच्छे वाला अंडे ही सिर्फ आपके एक्वेरियम में रहेंगे। इसके अलावा जो एक मेन दिखा जाता है, ये बहुत कम रेयर दिखते हैं, गिल रॉट कहते हैं इसको, मतलब के जो गिल्स होते हैं गिल्स में फंगस आ जाते हैं और धीरे धीरे करके पूरा जो गिल्स है फिश का वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसे मामलों में दोस्तों फिशेस को बचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं और ये इतना हद तक जा चुका है कि गिल्स पूरा रॉट हो चुके हैं तो उसमें फिश को बचाना मुमकिन नहीं है किसी भी तरह से। इसके बाद आता है, अगर आप देखेंगे तो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन होता है, ये फ्रेश वाटर एक्वेरियम में होता बहुत कम है। चांसेस बहुत कम है कि आपको इस तरह का कोई भी डिसीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है एपीआई पीमा फिक्स करके आता है मेडिसिन या फिर फंगल इन्फेक्शन का जो भी मेडिसिन यूजुअली आपका पेट स्टोर में मिलते हैं, आप उससे अपना फिशेस को ट्रीट कर सकते हैं। ये जो पूरा आज वीडियो में मैं बताया आप लोगों को कि फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे, सबसे बेहतर यहाँ पे यह है कि आपका फिशेस को किसी भी तरह का डिसीज़ ना हो। और ये फंगल इन्फेक्शन से दूर रखना बहुत ही ईजी है क्योंकि आपको बस अपना रेगुलर वाटर चेंजेस का जो भी शेड्यूल है उस तरह से रेगुलर वाटर चेंजेस करते रहना है। आपका वाटर क्वालिटी सही रखिए, हाइजीन सही तरह से मेंटेन कीजिए और डेड फिशेस या फिर अगर कोई डेट्रिटस नीचे पड़ रहा है सबस्ट्रेट में तो उसको क्लीन जितना अच्छे तरह से कर देंगे आप, उसके बाद आपका फिशेस को फंगस डिसीज़ होने का चांसेस एकदम ही लेस है। इस तरह से आप ये फंगल इन्फेक्शन को आपका एक्वेरियम से पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए यही था दोस्तों, और वीडियोज़ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मेरा दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि ये एक्वेरियम का हॉबी इंडिया में बहुत सारे लोगों को है, लेकिन कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इस तरह का बातें किया जाता है, तो लोगों को जानने का मौका बहुत कम मिलता है। तो जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ने से सारे लोग एक साथ इस हॉबी को एंजॉय कर सकेंगे। तो प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सके। फेसबुक में मेरा पेज पे आप आके डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपका मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए। और इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं फिश रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पे या फिर नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।